हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुड टाइम्स विद सौम्या। मैं सौम्या, कैसे हैं आप लोग सब दोस्तों। गर्मियां चल रही है और गर्मियों में ऐसा लगता है कि पेट ठंडा होना बहुत जरूरी होता है और डाइजेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो चलिए बना लेते हैं आज मिंट लेमन। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज बनाने वाली हूँ आप लोग के लिए मिंटी लेमन, और इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 लेमन ले लिया है और मैंने यहाँ पे हल्के हाथों से इसको अच्छी तरह से मल रही हूँ। ज़्यादा उसको प्रेशर देके मत मलिए, नहीं तो ये थोड़ा सा कड़वा हो सकता है। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। चलिए अभी ले लेते हैं ग्राइंडर जार, इसमें अभी निकाल देते हैं नींबू का रस। मैंने यहाँ पे 1 नींबू का इस्तेमाल किया है। अभी निकाल देते हैं अच्छी तरह से नींबू का रस। और ये रेसिपी में मेन इंग्रेडिएंट है पुदीने। पुदीने बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए, और बोला जाता है कि समर में ये सबसे अच्छे आते हैं। और समर में लेमन भी बहुत अच्छे आते हैं, पुदीने भी बहुत अच्छे आते हैं। जैसे कि धूप ज़्यादा निकलती है उसी हिसाब से पुदीने के पत्ते भी बहुत अच्छे आते हैं, उसमें खुशबू भी बहुत अच्छे से आते हैं। तो चलिए बना लेते हैं अभी मिंट लेमन। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है नींबू का रस पहले से, तो अभी डाल देते हैं पुदीने के पत्ते। और मैंने यहाँ पे डाल दिया है 2 टेबलस्पून शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से डालिएगा दोस्तों। तो इसके बाद डाल देते हैं 1/4 टीस्पून यहाँ पे थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा टेस्ट को बहुत बैलेंस करता है, थोड़ा सा नमक जरूर डालिए, नहीं तो यहाँ पे आप काला नमक भी थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अभी डाल देते हैं आइस क्यूब। मैंने यहाँ पे 6 से 7 आइस क्यूब डाल दिया है। इसके बाद इसमें डाल देते हैं वाटर, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। चलिए अभी सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक बाउल और स्ट्रेनर ले लिया है। तो चलिए अभी इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। और जो भी जूस बनाए हम इसमें अगर कुछ भी चीज़ अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं हुआ है तो वो चीज़ निकल जाएगी, अच्छी तरह से जूस अलग हो जाएगा। तो अच्छी तरह से अभी स्ट्रेन कर लेते हैं। मिंटी लेमन को सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ग्लास। इसमें मैंने डाल दिया है कुछ आइस क्यूब्स। तो चलिए ऊपर से डाल देते हैं जूस। और मिंट जो होती है बहुत ही अच्छी होती है, ये डाइजेशन करता है अच्छी तरह से, ओरल हेल्थ को भी बहुत इम्प्रूव करता है, और बहुत ज़्यादा हेडेक को तो ये लेने से आपको बहुत रिलीफ लगती है। और रात को तो आप जब भी सोने का टाइम है मिंट लिप्स को गर्म पानी में डाल के थोड़ा उसको उबाल लीजिए थोड़ा टाइम, और फिर वो मिंट वाली टी पीजिए, तो आपको बहुत अच्छी तरह से सुकून से नींद आ सकती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अभी इसमें ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा लेमन, और देखिए आपका मिंटी लेमन बनके तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको आगे जाके क्या रेसिपीज चाहिए जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपको मेरे चैनल को कुछ भी वीडियोस अच्छे लग रहा है और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन में प्रेस करना मत भूलिए, करने से आपको मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, बिल्कुल मजे में रहिए, टाटा बाय, सी यू। हेलो एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल द गुड टाइम्स विद सौम्या एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट माय लेटेस्ट वीडियो।